हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। और मैं सीएम मोहित तापड़िया, आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई। बहुत समय बाद आए हैं हम फिर से आपके लिए। बहुत मेहनत करके आए हैं, खाली हाथ नहीं आए। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि हमने आप लोगों के लिए कितनी सारी मेहनत की। ये 6 महीने में अंडरग्राउंड हो रखा था आपके लिए। बहुत सारे नोट्स बनाए मैंने, बहुत सारी किताबें बनाई है मैंने, बहुत सारा कंटेंट रेडी किया है। और अब धमाधम 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 में सारा कंटेंट आप तक आएगा। थोड़ा कंटेंट मेंबर्स के लिए रहेगा, थोड़ा कंटेंट सबके लिए रहेगा। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। आप लोग बहुत प्यार बरसा रहे, वो सपोर्ट आपका हमको मिला तब हम आप यहाँ तक आज भी बैठे हैं। बट थोड़ा सा आपको मेंबर्स बनना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और थोड़ा सा हमारे चैनल को और प्यार देना पड़ेगा। आपके दोस्तों तक जितना हो सके इस चैनल को पहुंचाइए, जितना हो सके हमको थोड़ा वाइड स्प्रेड कीजिए। हमें जितना मजा आएगा, जितने लोग मिलेंगे उतना ज्यादा हम आपको रिस्पॉन्स दे पाएंगे। चलिए, तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर सेकेंड। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और आज मैं आपको ये चैप्टर पूरा सिखाने वाला हूँ। ये चैप्टर का एक क्विक रिवीजन रहेगा, ये हमारा थर्ड फोर्थ सीरीज का पार्ट रहेगा। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने सोच रखा है कि फटाफट फटाफट चैप्टर्स को क्विक रिवीजन देंगे और आपको एक बहुत बहुत अच्छे डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने वादा किया है कि अभी ये चैप्टर्स नोट्स में से पढ़ाए जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर से नोट्स हमारी टीम के बहुत लोगों ने मिलकर आपके लिए मेहनत करके बनाए हैं। आज हम ये सारे नोट्स में से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज बात की जाती है व्हाट इज बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो भैया, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हर आदमी करता है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, हाउसवाइफ से लेके बिजनेसमैन तक, हर आदमी को मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। बिना मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल होता नहीं है। एंड देयरफॉर मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या होता है? चीजों को मैनेज करना। सो मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी जो बहुत टाइम से लोग करते आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके नेपोलियन तक, चंद्रगुप्त मौर्य तक, हर आदमी ने कभी ना कभी मैनेजमेंट किया है, और मैनेजमेंट करके वो इतने फेमस, इतने बड़े बने हैं। अब हमें सीखना है कि भैया ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई रूल्स नहीं है, दे आर नॉट एनी रूल्स। व्हाट आर दे? दे आर बेसिकली सर्टेन अमाउंट ऑफ अजम्पशंस, दे आर सम अमाउंट ऑफ ट्रेडिशंस, एंड दे आर सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे बहुत सारे मैनेजर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस को डाल के ये प्रिंसिपल्स को आपके लिए रेडी किया है। सो दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रूल्स, दे आर अजम्पशंस, ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैनेजर्स, जिन्होंने बहुत टाइम तक मैनेजमेंट करके कुछ रूल्स और कुछ जनरल नॉलेज निकाला है जो आप तक पहुंचा है इन द फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए इन प्रिंसिपल्स के कुछ बेसिक नेचर होते हैं। क्या नेचर होते हैं? तो भैया, सबसे पहला, ये प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। मतलब ये पूरे दुनिया में, हर जगह, हर कंपनी में, हर बिजनेस में लागू होता है। हाँ ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत चेंजेस हमें करना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो भी ये प्रिंसिपल अत्र तत्र सर्वत्र एवरीवेयर, दे आर वैलिड एवरीवेयर, राइट? सो दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये प्रिंसिपल बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। हम समय के साथ, सिचुएशन के साथ इन प्रिंसिपल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक तरीके से एक मैनेजर के लिए जनरल गाइडलाइन है। भैया, अगर आप नए मैनेजर हो, आपको थोड़ा डर लग रहा है कि मैं कैसे मेरे बिजनेस को मैनेज करूंगा, तो आप इन प्रिंसिपल को अपना बेसिक जनरल गाइड समझ सकते हो। इनको यूज करके आप अपना बेसिक मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ साथ में ये प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। देखो, हमें पता है मशीन को मैनेज करना इजी है, बट इंसान को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, लव अफेक्शन होता है, तो उनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये प्रिंसिपल आपको बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस किए गए हैं। एंड द लास्ट वन, ये प्रिंसिपल बहुत सारी कंटिंजेंसीज को कवर करते हैं। ये प्रिंसिपल बहुत सारे कंटिंजेंसीज, बहुत सारे गोल्स को कवर करते हैं। ये प्रिंसिपल आपको बहुत सारे अनअवॉर्डेबल सिचुएशंस में काम आते हैं। ये प्रिंसिपल आपको हर पर्टिकुलर तकलीफ में हेल्प करने में तैयार रहते हैं। सो दीज आर सम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। आप आराम से इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पर अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, आपको नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करना रहेगा, जो डिफाइंड चार्जेस है वो पे करना रहेगा, और हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंच जाएगी आपके पास। चलिए नेक्स्ट। तो क्या भैया ये प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रिंसिपल ऐसा को क्या चालू कर देते हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, ये प्रिंसिपल्स आपके मैनेजरियल एफिशिएंसी को खूब इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप
अभी एक कंपनी संभाल रहे हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को यूज करके आप मल्टी कंपनीज के ओनर बन सकते हैं। अगर आप अभी 100 लोगों को संभाल रहे हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को यूज करके आप 150-200 के स्टाफ को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देते हैं। साथ साथ में ये प्रिंसिपल्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज को और इफेक्टिव बनाते हैं। ये प्रिंसिपल्स बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में भी आपको मदद करते हैं। साथ साथ में ये प्रिंसिपल्स समय के साथ बदलते चेंजिंग एनवायरमेंट को आपको समझने में, उस एनवायरमेंट के थ्रेट को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में भी आपको मदद करते हैं। और ही ये प्रिंसिपल्स आपको अपनी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है भैया, वो भी भूलने नहीं देते हैं। आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल करनी है, वो भी प्रिंसिपल्स आपको मदद करते हैं। साथ साथ में ये प्रिंसिपल्स बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी आपको मदद करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे थॉट्स होते हैं, जिसमें थोड़े थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं क्लासिकल, थोड़े थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं मॉडर्न। क्लासिकल थॉट्स के दो सबसे बड़े गुरु होते हैं, जिसका नाम है टेलर और फेयोर, जिसके प्रिंसिपल्स हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये दो सबसे बड़े गुरु हैं मैनेजमेंट के। इसके बाद मैक्स वेबर भी है, जिन्होंने भी मैनेजमेंट के बारे में बहुत चीजें लिखी है। साथ साथ में देयर इज सम नियो क्लासिकल थियरी, जिसको हम नियो क्लासिकल थियरी के अंदर नियो थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी आती है, जो ह्यूमन बिहेवियर को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इस थियरी की एक सबसे फेमस लाइन है, यू मैनेज योर मैन एंड योर मैन विल मैनेज रेस्ट एवरीथिंग फॉर यू। आप खाली अपने आदमी को संभालो, अपने स्टाफ को संभालो, अपने एम्प्लॉयज को संभालो, बाकी आपका बिजनेस तो आपका स्टाफ आपका एम्प्लॉय चला लेगा। तो इस थियरी के बेसिस पे नियो क्लासिकल थियरी भी बनी है, बट ये आंसर इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना मैं रिविजन सीरीज में इतना डिटेल में इस पे जाऊंगा नहीं। अब हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आंसर है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर इज FW टेलर, इनको गुरु माना जाता है, इनके प्रिंसिपल्स को रूल ऑफ थंब कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को बहुत 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 फेमस तरीके से इन्होंने बनाया है, और इनके प्रिंसिपल्स को प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड then see if they can do that in the best and the cheapest way। आप सबसे पहले ये देखो कि भैया तुम तुम्हारे एम्प्लॉय से चाहते क्या हो, वो मिल गया, फिर ये देखो कि वो काम सबसे सिंपल और सबसे चीपेस्ट तरीके में कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक रिवॉल्यूशनरी थॉट है, जो बताते हैं कि वर्कर्स को काम उनके मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से दो, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस और वर्कर्स की परफॉर्मेंस बेसिकली मैक्सिमम लेवल पे रहनी चाहिए। साथ साथ में वर्कर्स को आपको बोनस देना पड़ेगा, विच मस्ट बी फ्रॉम 30 to 100% टू इम्प्रूव देयर मोटिवेशन एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंपनी। सो इट इज योर जॉब, इट इज योर ड्यूटी टू ट्रीट योर वर्कर्स लाइक ज्वेल, उनको सोने चांदी की तरह ट्रीट करो, और ये भी देखो कि रिटर्न में वो आपकी कंपनी को भी उतनी ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए टेलर ने अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ नए नए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला साइंटिफिक मेथड फॉलो करो भैया, ट्रेडिशनल मेथड छोड़ दो, एवरी मेथड मस्ट बी साइंटिफिक एंड लॉजिकल। सेकेंड, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के दो अलग अलग डिपार्टमेंट कर दो, प्लानिंग करने का काम होगा एक्सपर्ट्स का, मतलब है मेन मेन जो सबसे टॉप लेवल होता है उनका काम होता है, जबकि इंप्लीमेंट करने का काम मिडिल और बॉटम लेवल का रहेगा। जॉब एनालिसिस करना कभी मत भूलो, यू हैव टू एनालाइज द जॉब। आपको जॉब एनालाइज करने के लिए तीन तरह के एनालिसिस करने पड़ेंगे, टाइम एनालिसिस, मोशन और फैटिक। इसलिए आपको तीन स्टडीज करनी है, तीन एनालिसिस करने हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिक स्टडी, जिसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर ये भी ध्यान रखना कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब हर काम करने का, हर इक्विपमेंट का, हर टाइम का, हर रिसोर्सेस का एक स्टैंडर्डाइज तरीका होना चाहिए, जिससे आपका वेस्टेज भी कम होगा, आपका टाइम भी कम बिगड़ेगा और कॉस्ट भी कम लगेगा। उसके साथ साथ में मेक श्योर आप जो भी सिलेक्शन और ट्रेनिंग का प्रोसेस करते हैं वर्कर्स के लिए, वो सिलेक्शन और ट्रेनिंग दोनों साइंटिफिक होनी चाहिए। मेक श्योर कि हर पर्टिकुलर स्किल्ड वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा गया, माना गया है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा भैया आज भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए फाइनेंशियल मोटिवेशन होना ही चाहिए। मेक श्योर कि जो भी आप साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही इकोनॉमिक हो, मतलब उसको इंप्लीमेंट करने में ज्यादा पैसे नहीं लगे। एंड द लास्ट वन,
आपको एक मेंटल रिवॉल्यूशन लाना है ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। देखो भैया, प्रॉब्लम यह है कि ओनर चाहता है कि वर्कर अच्छे से काम करे और ज्यादा अच्छे से काम करके मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे, और वर्कर चाहता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे ओनर मेरी सैलरी क्यों नहीं दे रहा है, मुझे इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा है, मुझे मोटिवेट करने के लिए ज्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो आपको उन दोनों के लिए एक मेंटल रिवॉल्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, जहां पे ओनर ये समझे कि वर्कर की मेहनत खूब है और वर्कर ये माने कि ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन खूब है। सो इसके साथ हमें तीन बेसिक स्टडी पे ध्यान देना है, जिसका नाम है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। टाइम स्टडी कहती है कि आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा वर्क कितने समय में होना चाहिए, कौन सा जॉब कितने टाइम पे फिनिश होना चाहिए, उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको हर काम करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड टाइम हर वर्कर अचीव करे वो आपका ध्यान रखना, आपका काम रहेगा। अगर वर्कर उस स्टैंडर्ड टाइम पे काम कर देता है तो भैया उसको बोनस दो, उसको इंसेंटिवाइज करो, जिससे बाकी वर्कर्स भी उसको देख के मोटिवेटेड फील करो और अच्छे से काम करें। मोशन स्टडी कहता है कि आप ये ऑब्जर्व करो कि आपका वर्कर कोई फालतू के मोशन में टाइम वेस्ट नहीं करता हो। फॉर एग्जाम्पल, भैया यहाँ मशीन है, ये मशीन खराब हो गई और मशीन को रिपेयर करने के लिए आपको जो भी हथौड़ा पेची वगैरह चाहिए वो कहीं दूर रखा हुआ है। अब वो वहां जाएगा, वहां से लेके आएगा, फिर यहाँ मशीन रिपेयर करेगा, फिर वापस बाहर रख के आएगा। डोंट वेस्ट दिस टाइम, यू हैव टू लुक एट द मोशन व्हाट अ वर्कर इज डूइंग। हर बार रॉ मटेरियल को ऊपर से निकाल के मशीन में डाले, फिर से ऊपर रखे, क्यों ऊपर रखा जा रहा है, उसको बाजू में रखो, जिससे उसके फालतू के मोशंस कम हो सके, उसके अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रोका जा सके। मटेरियल और मैन को इस तरह से प्लान करो कि उनका टाइम, उनका फ्री का मोशन वेस्ट ना हो। और उसके बाद में हमारा काम रहता है कि उनकी फेटिक स्टडी करना पड़ेगा। फेटिक स्टडी का मेन रोल होता है ये चेक करो कि वर्कर कितनी देर में बोर हो जाते हैं। भैया फेटिक शब्द का मतलब होता है बोर हो जाना, थक जाना। तो उन्हें हर स्पेसिफाइड टाइम पे आपको ब्रेक देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिसेस। जैसे स्कूल में मिलती है, बहुत सारे स्कूल्स में शॉर्ट ब्रेक मिलता है, फिर लॉन्ग ब्रेक मिलता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि एक वर्कर कितनी देर में थक जाता है। अगर उस थकने के दौरान में उसको एक 15 मिनट का गैप दिया जाए, एक लीव दीजिए, एक टी ब्रेक दिया जाए, तो वो चाय पी के वापस आएगा तो उसकी इफिशियंसी फिर से नई जैसी हो जाती है। सो ऐसे आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि आप वर्कर को किस तरह से कब कब टाइम देंगे उसको अपने फैटिक को रिलीज करने का मौका देंगे। इसके साथ में आते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, जो हमने अभी पढ़े थे। इन प्रिंसिपल्स को इन लोगों ने थोड़ा यहाँ पर डिफाइन फॉर्मेट में लिखा है, जो आप आराम से पढ़ सकते हो। अब मेरा सबसे फेवरेट आ गया है, दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये है 14 प्रिंसिपल ऑफ सर हेनरी फेयोल। फेयोल ने इन 14 प्रिंसिपल से पूरा मैनेजमेंट जीत लिया है। भैया ये प्रिंसिपल अपने आप में भगवान है। ये 14 प्रिंसिपल्स को ऐसा माना जाता है कि ये मैनेजमेंट के मेन क्रक्स है। अगर कोई आदमी इन प्रिंसिपल को ढंग से समझ ले और इनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना सीख ले, मतलब वो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट बनने की रास्ते पे निकल चुका है। सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भगवान माना गया है मैनेजमेंट के अंदर। आज हम एक एक सिंगल सिंगल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे बिना जल्दी किए। हमारा सबसे पहला डिस्कशन होगा प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क या डिविजन ऑफ लेबर। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपने काम को डिवाइड करना है। एक आदमी से पूरा काम मत करवाओ। एक आदमी को बोलो कि तू स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कर, वो नहीं करेगा, और करेगा तो उतनी अच्छी एफिशिएंसी से नहीं करेगा। यू हैव टू डिवाइड योर प्रोडक्शन प्रोसेस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट बैचेस और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब एक काम जो अभी तक एक आदमी कर रहा था उसको 5 लोगों में बांट दो या 7 लोगों में बांट दो, और हर आदमी को उसके हिस्से का काम दे दो कि तू खाली इतना ही काम कर फिर आगे पास कर दे, तू भैया इतना काम करके आगे पास कर दे। आप ऑब्जर्व करोगे कि हर आदमी अपने काम में माहिर हो गया है। हम कभी कभार देखते हैं टीवी वगैरह में, न्यूज वगैरह में या इंस्टाग्राम वगैरह पे कि कुछ शेफ ऐसे फटाफट 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 सब्जियां काट देते हैं, राइट? क्यों भैया? वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो गया है। वो इतने टाइम से चॉपिंग कर रहा है कि वो बिना देखे किसी से बात करते करते भी फटाफट चॉपिंग करता रहता है, बिकॉज वो काम को बहुत सालों से कर रहा है। तो ऐसी एफिशिएंसी आ जाती है अगर अच्छा डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयज में मोटिवेशन बढ़ता है, कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस होता है, और कंपनी में स्पेशलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाने लग जाता है। सेकेंड होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हर आदमी को
जितनी जिम्मेदारी दोगे उतना पावर भी दो, दे मस्ट बी इक्वल, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो उस काम को खत्म करने का पावर भी दो। हम देखते नहीं हिंदी पिक्चरों में, एक आलिया जा इसको उठा के लेके आ, या इसको मार दे, या मुझे ये आदमी चाहिए जिंदा या मुर्दा, राइट? हम सुनते ना डायलॉग हिंदी पिक्चरों में। तो ये तो हो गई भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो डाकू है वो उसको उठा के कैसे लाएगा? जब तक कि उसके पास कोई अथॉरिटी ना हो तो उसको अथॉरिटी दी जाती है, जेब में से बंदूक निकाल के देते हैं, बोले पकड़े बंदूक तेरे रास्ते में जो भी है उसको उड़ा देना। सो दिस इज बेसिकली अथॉरिटी। आपको हर जिम्मेदारी के साथ साथ पावर भी देना पड़ता है तो ही काम अच्छे से होगा। अगर आपने किसी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसको अथॉरिटी नहीं दी तो वो आदमी थक जाएगा, क्योंकि वो काम कभी नहीं कर पाएगा। और आपने किसी को सिर्फ अथॉरिटी दे दी और भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, वो खुद को भगवान समझने लगेगा कि मेरे पास पावर इतना है, काम तो कुछ ही नहीं। तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने फर्म लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे। आपको देखना पड़ेगा कि सारे रूल्स और सारे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहे हैं। हमें डिसिप्लिन से बहुत फर्क पड़ता है। डिसिप्लिन से एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। डिसिप्लिन से मैनेजर अपने सारे काम पे अच्छे से ध्यान दे पाता है। डिसिप्लिन से ओनर और वर्कर का रिलेशन अच्छा मैनेज रहता है। थर्ड पार्टी पे फर्म के बारे में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हम किसी होटल में जाते हैं, हम देखते हैं वहां का वेटर व्हाइट एंड व्हाइट एप्रन पहना हुआ है, एक बढ़िया सी कैप लगा के रखा है, हाथ में ग्लोव्स पहना है, तो हमें लगता है ये रेस्टोरेंट तो कितना अच्छा है। वही वैसा गर्ज अगर वो कुछ नहीं पहना है, ऐसे ही खाना बना रहा है गंदे हाथों से, तो हमें लगता है यार नहीं यार यहाँ खाना नहीं खाना है। सो ये डिसिप्लिन का काम है कि डिसिप्लिन आपके काम को और अच्छा दिखाता है लोगों के सामने। देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा बहुत बार हमारे घरों में होता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़े भाई बहन होते हैं, तो अब हमको सब ऑर्डर देते हैं। एक छोटे भाई की सबसे बड़ी शिकायत वही होती है कि उसको सब ऑर्डर देते हैं। बड़ी बहन बोलेगी सुन नीचे जाके मेरे लिए ये सामान लेके आ, भाई बोलेगा मेरे दोस्त के घर पे जाके मेरे लिए बुक लेके आ, मम्मी बोलेगी ये काम कर, पापा बोलेंगे ये काम कर। वो छोटा पप्पू कमरे में जाके सो जाता है। फिर अगर पापा बोलेंगे तूने मेरा ये काम नहीं किया, वो बोलेगा मम्मी ने ये काम दिया था, भाई बोलेगा तूने ये काम नहीं किया, बहन ने ये काम दिया था, और एट द एंड वो कुछ भी काम करता नहीं है। ऐसा वर्कर के साथ भी होता है। देयरफॉर यूनिटी ऑफ कमांड मस्ट बी मेंटेन्ड, कि एक वर्कर को कमांड देने वाला एक ही आदमी, जिससे उसको पता रहे कि मुझे किससे सुनना है, मतलब किससे मुझे ऑर्डर लेना है और किसको जवाब देना है, तो उसको पता रहना चाहिए। दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या काम करते हैं भैया? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको बताते हैं कि आपको काम करने का सही तरीका कौन सिखाए। अगर एक बच्चे को पढ़ने का सिखाने के लिए चार लोग होते हैं, जैसे आप लोग की लाइफ में बहुत बार होता है, स्कूल में अलग टेस्ट होता है, ट्यूशन में अलग टेस्ट होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कूल का पढ़ेंगे तो ट्यूशन में नहीं मार्क्स आएंगे, ट्यूशन का पढ़ेंगे तो भैया स्कूल में मार्क्स नहीं आएंगे, स्कूल में मार्क्स नहीं आएंगे तो भी पापा डांटेंगे, ट्यूशन में नहीं आएंगे तो भी पापा डांटेंगे, करे तो क्या करे। That is lack of unity of direction. आपको direction देने वाला एक आदमी होना चाहिए जो आपको बताए कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। कि ट्यूशन ने बोला बेटा तू घर जा, ये चैप्टर लर्न कर, कल आके इसका टेस्ट देना, खत्म बात। तो आप सिर्फ ट्यूशन की सुनो, स्कूल की मत सुनो। अगर आपको लग रहा है आपकी स्कूल बेहतर है तो सिर्फ स्कूल की सुनो, ट्यूशन की मत सुनो। तो दिस इज बेसिकली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हर वर्कर को डायरेक्ट करने वाला एक ही आदमी होना चाहिए, जिससे उसको पता रहे कि मुझे काम किस तरीके से करना है। नेक्स्ट, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। हमें कोशिश करनी है कि हमें वर्कर को सिखाना है कि तुम्हारे फायदे में मेरा फायदा और मेरे फायदे में तुम्हारा फायदा है। यार हम दोनों का फायदा इंटरचेंजेबल है, अगर मेरे को फायदा मिलेगा तो तुमको मिलेगा। ऐसा नॉर्मली आप लोग के साथ भी होता है, बट वो बात अलग है कि आप तक कोई ये मैसेज पहुंचा नहीं पाता। एक सिंपल सी बात समझो, आप स्कूल जाते हो, क्यों जाते हो? कि आप पढ़ लिख के अच्छे बन जाओ, आप अच्छे मार्क्स लेके आओ। आप ट्यूशन जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। माँ बाप आपको घर पे डांटते, क्यों डांटते? क्योंकि आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो। तो कहना सबका एक ही है कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, और तुम्हारा खुद का भी इच्छा है कि मैं पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाऊं और सक्सेसफुल बनूं। बट क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट सेम है, जो सब आपके आसपास के लोग चाहते हैं वही आप खुद भी खुद से चाहते हो, फिर भी हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में जब तक आता है बहुत देर हो जाती है कि हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, हमारे एल्डर्स हमसे वही चाहते हैं जो हम खुद भी जिंदगी से चाहते हैं। किसको नहीं चाहिए बड़ा घर?
किसको नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी, किसको नहीं चाहिए पैसा, किसको नहीं चाहिए महंगे कपड़े, सबको चाहिए। तो उसके लिए चाहिएगा पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा नॉलेज से, डिग्री से, क्वालिफिकेशन से, जॉब से, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट सब सेम है, तो यही बात वर्कर को सिखाना पड़ेगा कि तुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, तुझे ज्यादा पैसा कमाना है, तो तुझे अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि तू अच्छे से काम करेगा तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी तेरा फायदा कराएगी यार। सो दिस इज बेसिकली सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन, रेम्यूनरेशन टू पर्सनल। सर, एक लेबर के लिए, एक वर्कर के लिए उसकी पगार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर उसको वही पगार टाइम पे ना मिले तो उसको नहीं चलता है, प्लस उसको वही पगार उसकी स्किल्स के हिसाब से ना मिले तो भी उसको नहीं चलता है। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी पर्सनल को रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो दैट रेम्यूनरेशन मस्ट बी एज पर द स्किल ऑफ दैट इंडिविजुअल, और उस इंडिविजुअल आदमी की स्किल के अनुसार होनी चाहिए। स्किलफुल आदमी को ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, अनस्किल्ड और फ्रेशर्स को कम मिलनी चाहिए, और उनको बता के दो यार, छुपाना क्यों है भैया, ये पिछले 10 साल से काम करे, इसकी पगार ज्यादा होगी, तू आ जाए तेरी पगार कम होगी। ये पहला क्लॉज। और दूसरा क्लॉज, रेम्यूनरेशन टाइम पे मिलना चाहिए आपको। हर आदमी को सही समय पे रेम्यूनरेशन देना है, साथ साथ में बोनस देना है, कभी कभार प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, जिससे कि उनका भी मोटिवेशन बना रहे। एंड नेक्स्ट वन, सेंट्रलाइजेशन। आपको ये भी समझना है कि भैया आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि पूरा मैनेजमेंट सेंट्रलाइज रहे, मतलब पूरी फर्म का कंट्रोल एक अकेले हाथ में, या आप चाहते हो नहीं यार डिसेंट्रलाइज रहे, कि पावर सब में बटा रहे। वो डिपेंड करता है आपकी फर्म पे, आपकी कंपनी पे। अगर आपकी बिजनेस छोटा है तो भैया उसको सेंट्रलाइज रखो चलेगा, और अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको उसको धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेला बंदा सारे काम नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है स्केलेट चेन। स्केलेट चेन मतलब एक अथॉरिटी चेन रिलेशन बना दो, जिससे हर आदमी को पता रहे कि भैया मेरे नीचे ये काम कर रहा है, मेरे ऊपर ये काम कर रहा है, इसको काम मैं दूंगा, इससे काम मैं लूंगा, इससे जवाब मैं लूंगा, इसको जवाब मैं दूंगा। तो एक चेन पता होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे, एक अथॉरिटी रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। हम हमारे बिजनेस में सारे लोगों को बराबर ट्रीट करेंगे, हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हमें सबके लिए फेथफुल रहना पड़ेगा। ये एक इक्वालिटी हमारी कंपनी में, हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में होनी चाहिए। एंड उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एम्प्लॉयज का टेन्योर स्टेबल रहे, उनको इतनी खुशी, इतना जॉब सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि मुझे मेरी कंपनी से कोई निकालेगा नहीं। तो जब ये जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता है, इसलिए परमानेंट एम्प्लॉय, ऐसा देखा गया, माना गया है कि परमानेंट एम्प्लॉयज आर मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू कैजुअल वर्कर्स। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को एक स्पेसिफाइड, एक स्टेबल टेन्योर देना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करो कि भैया तुम इनिशिएट करो, कुछ नया आइडिया लाओ, कुछ नया। देखो एक सिंपल सी बात समझो, वर्कर्स वो लोग होते हैं जो पूरे टाइम मशीन के साथ रहते हैं, वर्कर्स वो लोग होते हैं जो पूरे टाइम रॉ मटेरियल देखते हैं, उनको पता है कि इस मशीन में क्या कमी और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो उनको इंसेंटिव्स दो कि वो भी अपने रिसर्च कर सके, वो भी अपने सजेशंस मैनेजमेंट तक पहुंचा सके, और एक अच्छे रिसर्च पे एक अच्छा गिफ्ट दो, जिससे वर्कर मोटिवेट और अच्छे से अपने काम को करे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, भैया हर चीज को रखने का एक सही जगह होना चाहिए, सही प्लेस होना चाहिए। सो अगर वो सही जगह पे चीजें हर बार रखी जाएगी तो उसको ढूंढना इजी होगा, जिससे हमें चीजों को घुमाना नहीं पड़ेगा, डुप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा कि भैया ज्यादा सामान लाके रखो क्योंकि ये टाइम पे मिलता नहीं है, तो वो सब चीजें हट जाती है। एंड द लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्स। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन वाली फीलिंग, कि सबको एक हारमोनी रखो, सब ग्रुप में एक भाईचारा रखो, एक प्रेम भाव रखो, जिससे सबको लगे कि हाँ यार ये कंपनी मेरी है। मालिक को लगना चाहिए कि वर्कर मेरा है, वर्कर को लगना चाहिए मालिक और कंपनी मेरी है। एक बार ऐसी भावना आने दो, आप देखो आपकी कंपनी कहाँ तक पहुंच जाती है। सो ये सारी चीजों को कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो ये हम लोगों ने बात की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, और इसके साथ हमारे चैप्टर का रिविजन खत्म हो गया है। इसके बाद जिन बच्चों के पास हमारे नोट्स पहुंच चुके हैं वो ये क्वेश्चन बैंक भी नीचे सॉल्व करेंगे, और जिनके पास नोट्स नहीं पहुंचे हैं वो नोट्स हमारे से ऑर्डर करवा सकते हैं। और इसके साथ आपका
सेकेंड चैप्टर की तोड़फोड़ सीरीज का रिवीजन खत्म हुआ। हमने ये पूरा रिवीजन मजे से किया है, ये रिवीजन आपको बहुत काम आएगा। रिवीजन अच्छा लगे तो कमेंट्स में अपने प्यार बरसाते रहना, रिवीजन अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को हमारे बारे में बताते रहना, रिवीजन अच्छा लगे तो ये नोट्स को थोड़ा सा और फेमस करना, और रिवीजन अच्छा लगे तो अपने भाई को भूलना मत, अपने भाई को भूलना मत, अपनी याद दिलाते रहना कि सर हम आपका वेट कर रहे हैं, हमें और वीडियोस चाहिए, मैं आपके लिए फिर से आऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।